assalamu alaikum today we are going to read unit number 4 from oxford reading circle book 5 its title is the toad's words first we will know what is a toad and how it is different from a frog now just check it that frogs are brighter green in color and toads are slightly darker and also toads have words what are words words are the bumps bumpy skin hair. जस्ट ऑब्जर्व uh, करें कि इसमें फ्रॉक uh, की स्किन स्लाइमी एंड स्मूदर होती है देन द टोड्स टोड्स की स्किन जो है वो वर्टी होती है वर्ड्स है, होते हैं उसके ऊपर बम्प्स होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल yeah. जब मॉस्किटो बाइट करता है तो हमें एक स्किन पे बम्प बन जाता है तो बस ठीक है ओके इट्स कॉल्ड बम्प सो नाउ लेट स्टार्ट अवर चैप्टर अलॉन्ग टाइम अ बहुत अर्सा पहले अ मैन नेम चेम चौंग साइपा एक आदमी जिसका नाम था चैमचोंग चौंगा वो स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द ग्रेट इरावादी रिवर वो खड़ा हुआ था एक बहुत बड़े से इरावी रिवर रिवर का नाम है इरावी रिवर और वो उसके बैंक पे यानी कि उसके किनारे पे खड़ा हुआ था और जैसे कि नाम से भी मालूम है चेंग चोंग जाइपा एक चाइनीज नेम है और ये इरावादी रिवर भी अगर आप सर्च करें तो ये म्यांमार के करीब कोई जगह है माइंडिंग इज ओन बिजनेस अपने काम में मगन था एंड शार्पनिंग हिज वेपन्स वेपन को शार्प कर रहा था अपने टूल्स को शार्प कर रहा था अप्रॉन एक प्रॉन एक झींगा इरीटेटेड बाई हिज स्टॉम्पिंग अराउंड इरीटेट हो गया स्टॉम्पिंग अराउंड ज़मीन पे पैर मारना स्टैंपिंग फीट uh, को अपने जमीन पे पैर मारने को स्टॉम्पिंग uh, कहते हैं और इस तरीके की वजह से इरीटेट हो गया प्रॉन बिट हिम इन द लेग और उस लड़के की लेग पर काट लिया नेक्स्ट पैराग्राफ चेंगचोंग जल्द एंड अप इन द एयर चेंगचोंग दर्द की वजह से यल्प चीखा ठीक है उसने प्रॉन ने उसको बिट किया था ना तो वो थोड़ा सा चीखा एंड लीप्ड अप इन द एयर हवा में उछला ही कुड नॉट सी द प्रॉन वो प्रॉन को नहीं देख सका एंड इन हिज पेन और पेन की वजह से ही स्टैगर्ड टूवर्ड्स अ ट्री वो एक तरफ की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया एंड स्वंग की सेकंड फॉर्म अपने नाइफ को लहराता हुआ लहराने लगा द शार्प वेपन स्ट्रक वो वेपन शार्प था तो वो टकरा गया द ट्रंक ऑफ अ ट्री ट्री के ट्रंक से टकरा गया एंड कट इट और ट्री पे एक कट लगा दिया नेक्स्ट पैराग्राफ द ट्री वॉज स्टार्टल्ड एंड अनॉयड ट्री स्टार्टड मीनिंग होते हैं हैरान होना किसी शॉक की वजह से तो एंड अनोइट मीन्स परेशान होना तो ट्री जो है वो भी हैरान और परेशान हो गया प्लॉप प्लॉप करके एक साउंड आई एक आवाज़ आई इट इमीडिएटली ड्रॉप द फ्रूट ऑन उसने फौरन इमीडिएटली क्विकली जल्दी से अपना फ्रूट ड्रॉप कर दिया गिरा दिया ऑन नेक्स्ट पेज टू द मैन ठीक है उसने ट्री ने अपना फ्रूट गिरा दिया था ऑन टू द मैन मैन के ऊपर बट चेंग चॉन्ग जाइपा व स्टिल लीपिंग अराउंड फ्रॉम वन फुट टू अदर चेंग चोंग ज़ाइपा अब तक उछल रहा था एक पाँव से दूसरे पाँव पे कभी एक पाँव पे आ जाता कभी दूसरे पाँव पे इस तरह से वो उछल रहा था द फ्रूट मिस्ड हिम फ्रूट ने उसको मिस कर दिया मतलब उसे नहीं टकराया एंड हिट अ काक वॉकिंग बाय एक मुर्गा जो वहाँ से गुजर रहा था उसको हिट कर दिया नेक्स्ट द कन्फ्यूज कॉक वॉज नॉट प्लीज एट ऑल वो कॉक जो है वो कन्फ्यूज़ हो गया ज़ाहिर है जब अचानक किसी के कुछ लग जाए कहीं से तो वो ही सोचता ना कि कहाँ से आया और क्यों आ किसी ने मुझे मारा तो वो भी कन्फ्यूज uh, इसलिए लिखा है ठीक है तो कन्फ्यूज कॉक जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ प्लीज़ का मतलब होता है ख़ुश होना इट लुकड एट द ट्री उसने ट्री की तरफ़ देखा एंड नोटेड एट इट साइज़ और उसका साइज़ नोट किया कि कितना बड़ा है इट वॉज़ आफ्रेड टू अटैक दिस ग्रेट ट्री वो डर गया अफ्रेड का मतलब डर गया टू अटैक दिस ग्रेट ट्री वो उसने बड़े ट्री को अटैक करे कि उसका बदला ले उससे वो डर गया सो इन स्टेड तो इसकी बजाय इट स्क्रैश्ड उसने इस्क्रैचड किया खुरच दिया एट द नेस्ट ऑफ आंस चूटियों के घर को खुरच दिया हुर बिजी विद दियर वर्क जो कि अपने काम में बहुत बिजी थी नेक्स्ट द आंट्स हैड प्लेंटी ऑफ वर्क ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम था द लास्ट थिंग आखिरी चीज़ दे वॉन्टिड टू डू जो करना चाहती थी वॉज टू रीबिल्ड देयर नेस्ट वो अब आखिरी चीज़ क्या थी कि उनको अपना घर दोबारा से बनाना था राइट दे सेड उन्होंने कहा ठीक है इन फ्यूरी मतलब बहुत गु़स्से में फ्यूरियस से निकला है फ्यूरी तो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन्होंने कहा अच्छा इट्स वॉर ये वॉर है ये जंग है एंड दे अटैक पासिंग स्नेक एंड बिट इट ऑल ओवर और उन्होंने एक साथ में से गुजरते हुए सांप के ऊपर अटैक कर दिया और उसको सब जगह काट लिया नेक्स्ट द स्नेक रिगल्थ इवन फास्टर रिगिल्थ रिगलिंग मूवमेंट होती है ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवमेंट होती है उसको रिगलिंग कहते हैं और जो स्नैक मूव करता है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स बन रहे होते हैं ना गोल गोल सा यूं यूं उसके पीछे की बॉडी ट्विस्ट एंड टर्न्स बन रहे होते हैं तो इस तरह से वो चल रहा होता है तो वो स्नैक रिगल्ड इवन फास्टर और बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी भागा ना तो वो उसमें और तेजी से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए एंड शॉर्ट स्ट्रेट और शॉर्ट स्ट्रेट इन टू द फॉरेस्ट नियर बाय करीब के फॉरेस्ट में गोली हो गया यानी कि इतनी तेज़ी से घुस गया एंड बिट अ बेयर और एक बेयर को एक भालू को काट लिया नेक्स्ट वॉट एन अर्थ डिड यू डू दैट फॉर ये क्यों किया तुमने ग्रंटेड द आई रेड बियर आई रेड कहते हैं बहुत ज्यादा एंग्री बहुत गुस्से में ग्रंटेड मीन्स गले के अंदर जो आवाज ज्यादातर गले से होती है ना और से वाली आवाज़ जो निकलती है तो उस तरह की आवाज़ में उसने उसको कहा कि क्या मुसीबत है जो तुमने मुझे काट लिया बिकॉज ऑफ यू वर देयर क्योंकि तुम यहाँ थे सेट द स्नेक स्नैक ने कहा एंड इट हर्टल ऑफ To find some medicinal plants to ease the pain. हटल off means फ़ौरन से जल्दी से वहाँ से चला गया टू find सम medicinal plants, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ढूँढने के लिए टू ईज पेन जो उसको चूंटियों ने काटा था तो जिससे उसको पेन हो रहा था ताकि वो उसको ईज कर सके उसको ठीक कर सके नेक्स्ट पेज द बेयर हरीड ऑफ़ इन द अदर डायरेक्शन हरीड ऑफ हरीड का मतलब जल्दी से क्विकली ऑफ चला गया इन द अदर डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में बेयर जल्दी से चला गया एंड टुक आउट इट्स फ्यूरी और उसने अपना गुस्सा निकाल दिया ऑन अ यंग प्लांट प्लान्टन ट्री एक यंग प्लांट प्लान्ट्री होता है बनाना ट्री उसके ऊपर अपना ग़ुस्सा निकाल दिया द बेयर लोअर इट्स हैड उसने उसका जो टॉप पार्ट है प्लांट का उसको नीचे झुकाया एंड डग फ्यूरियसली और उसको Uh, ज़मीन में से खोद दिया टिल द पुअर प्लांट को लेब्स यहाँ तक के पूरा प्लान्ट जमीन पर गिर गया पुअर प्लांट मीन्स बेचारा प्लांट जमीन पर गिर गया अबैट लिविंग हाईअप इन द ट्री एक चमगादर जो कि uh, ट्री के सबसे ऊपर हिस्से में रह रही थी जस्ट मैनेज टू गेट गेट अवे बिफोर द ट्री हेट द ग्राउंड बहुत मुश्किल से उसने मैनेज किया जस्ट मैनेज टू मतलब बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को गेट अवे दूर किया बिफोर द ट्री हिट द ग्राउंड से पहले कि दरख्त ज़मीन से टकराता ठीक है उसमें से निकल के चली गई इट वॉज़ नॉट यूज़ टू फ्लाइंग अराउंड इन ब्रॉड डे लाइट उसको यूज़ टू मतलब आदत नहीं थी किसको, बैट को बैट को आदत नहीं थी कि वो दिन की तेज़ लाइट में वो फ्लाई करे एंड इट ब्लड अबाउट और ब्लंडर अबाउट मीनिंग है लड़खड़ाती रही अंटिल इट फ्लू स्ट्रेट यहाँ तक कि वो सीधी उड़ी इन टू एन एलिफेंट एयर और एलिफेंट के एयर में घुस गई वेयर एम आई मैं कहाँ हूँ थॉट द बैड बैड ने सोचा इट इज़ डार्क ये एक अंधेरा है एंड हेरी इन हेयर और यहाँ पर बाल भी हैं और अंधेरा भी है द बैड बिट द एलिफेंट बैट ने एलिफेंट को काट लिया क्योंकि वह एलिफेंट के कान में थी उसने उसमें काट लिया एंड द एलीफेंट ट्रम्पटेड विद पेन एंड रियर डप इन टू द एयर ऑन टू ऑन इट्स हाइंड लेगस बैट ने जो है एलिफेंट को जब काटा तो उसके बाद एलिफेंट चीखा एलिफेंट की चीख को कहते हैं ट्रम्पट विद पेन पेन के साथ एलिफेंट चीखा और रियर डप अपनी पिछली टांगों पर आ गया रियर डप का मतलब होता है अपनी पिछली टांगों पर एनिमल्स आ जाते हैं और अपने फोर लेम्स यानी के सामने के जो लेग्स होती हैं उनको उठा लेते हैं ठीक है इट केम क्रैशिंग डाउन अगेन एंड किक ओवर अ लार्ज स्टोन मोटर इट यहाँ पर एलिफेंट के लिए यूज हुआ है इट केम वो आया क्रैशिंग डाउन अगेन मतलब दोबारा से फिर तोड़ फोड़ करने के लिए एंड किक्ड ओवर अ लार्ज स्टोन मोटर और एक बड़े से पत्थर के मोटर होता है जिसमें इमाम दस्ता होता है ना उसके नीचे वाले हिस्से को मोटर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को पेस्टल कहते हैं तो नीचे जो मोटर था नीचे वाला हिस्सा मोटर था उस वो पत्थर का था और बहुत बड़ा सा था उसको किक कर दिया द मोटर रोल्ड ओवर अ स्लोप एंड क्रैश राइट इन टू द हाउस ऑफ अ लिटिल ओल्ड लेडी मोटर ने एक स्लोप के ऊपर से नीचे की तरफ रोल डाउन करते हुए आया एंड क्रैश राइट इनटू द हाउस और तोड़ फोड़ कर दी एक लिटिल ओल्ड लेडी के एक छोटी सी बूढ़ी औरत के घर में तोड़ फोड़ कर दी इट मेड अ ह्यूज होल इन द साइड ऑफ द हाउस उसने एक बड़ा सा होल बना दिया था उसके घर के साइड में नेक्स्ट द ओल्ड लेडी मे हैव बीन वेरी लिटिल एंड शी मे हैव बीन वेरी ओल्ड बट शी वाज ऑल्सो वेरी फियर्स वो बूढ़ी औरत शायद कि वो छोटी भी हो और बहुत बूढ़ी भी हो लेकिन वो बहुत ख़तरनाक थी नेक्स्ट यू टू बिड मोटर शी शाउट वो चीखी तुम बेवकूफ़ मोटर जस्ट लुक व्हाट यू हैव डन देखो जरा तुमने क्या कर दिया पे मी पे मी मुझे पे करो यू विल हैव टू पे मी टू रीबिल्ड माई हाउस तुम्हें पे करना पड़ेगा मेरे घर को दोबारा से बनाने के लिए नेक्स्ट मी सेट दोटर जो हैरान परेशान स्टंट मतलब हैरान परेशान जो मोटर था उसने कहा मैं वाई शुड आई पे यू मैं मुझे क्यों पे करना चाहिए इट वॉज द एलिफेंट ये एलिफेंट था हु किकड मी डाउन द हिल जिसने मुझे ऊपर पहाड़ी पर से किक किया था नेक्स्ट पेज द ओल्ड लेडी पिक स्टाउट स्टिक एक ओल्ड लेडी ने एक आ, मोटी सी मजबूत सी लकड़ी उठा ली एंड रन अप द हिल टू द एलिफेंट और ऊपर की तरफ भागी पहाड़ के ऊपर की तरफ भागी एलिफेंट की तरफ पे मी द मनी टू रीबिल्ड माय हाउस मुझे पैसे दो मेरे घर को दोबारा से बनाने के लिए शी शाउटेड वो चीखी मी स्प्ल द एलिफेंट एलिफेंट ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा मैं यू शुड आस्ट दैट बैट तुम्हें उस बैट से पूछना चाहिए ओवर डयर वहाँ पर ही बिट मी उसने मुझे काटा था डोंट ब्लेम मी सेट द बैट बैट ने कहा मुझे इल्जाम मत दो इट वॉज द ट्री वो ट्री था द ओल्ड लेडी वेंडड ऑफ टू द प्लान्टन ट्री वेंडेड ऑफ मतलब है बेमकसद स्लोली वॉक करना तो वो वो ओल्ड लेडी उस प्लान्ट ट्री की तरफ चल पड़ी द पुअर ट्री वॉज लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड वो बेचारा दरख्त ज़मीन पर गिरा पड़ा था लाइंग फ्लैट मतलब सीधा लेटा हुआ था ठीक है गिरा हुआ था ब्लेम द बेयर बेयर को इल्जाम दो नॉट मी मुझे नहीं इट ग्रोन्ड ग्रोन्ड मीन्स ग़ुस्से में और पेन में जो गले के बल एक आवाज़ निकलती है तो उस आवाज़ में उसने कहा लिटिल ओल्ड लेडी चेज्ड आफ्टर द बेयर वो ओल्ड लेडी चेज का मतलब होता है पीछे पीछे जाना बेयर के पीछे पीछे चली गई पे मी द मनी टू रीबिल्ड बिल्ड माई हाउस मुझे पैसे दो ताकि मैं अपने घर को दोबारा बना सकूँ शी शाउट वो चीखी द बेयर ग्रंटेड बेयर ने गले के बल बोलने में बोला मतलब जो पेन से एक आवाज़ निकलती है ब्लेम द स्नै हु बिट मी स्नैक को लाम दो जिसने मुझे काटा था द लिटिल ओल्ड डेडी फाउंड द स्नैक लिटिल ओल्ड डेडी ने स्नैक को ढूंढ लिया एंड पिंड इट डाउन और उसको अपनी स्टाउट विद स्टाउट स्टिक अपनी स्टाउट स्टिक से पिन कर लिया मतलब उसको आगे भागने नहीं दिया उसको पकड़ लिया उसकी नोक नोक से ठीक है स्टिक की नोक से पे मी टू रीबिल्ड माई हाउस मुझे पे करो ताकि मैं अपना घर दोबारा से बना सकूँ शी शाउटेड वो चीखी Certainly not. हिस्ट the snake uh, करके हिसिंग साउंड कहलाती है ये जो स्नेक्स निकालते हैं वो स्नेक इस तरह की साउंड निकालता है और कहता है यकीन नहीं so सो them मतलब सारा एस जो है वो उन्होंने करके बताया है कि वो इस तरह से बात करता है स्नेक की आवाज इस तरह से निकली है के कुछ आंट्स ने मुझे स्टंग किया है काटा है सो so इसलिए उनसे पूछो द ओल्ड लेडी फाउंड द ट्रेल ऑफ आंट्स ओल्ड लेडी ने आंट्स की जो एक लंबी लाइन में चलती है ना आंट्स तो वो उसका ट्रेल कहलाता है ट्रेल ऑफ आंट्स तो उनकी ट्रेल को उनकी लंबी लाइन को सर्च कर लिया ढूंढ लिया एंड आस्क देम और उनसे पूछा बट दे टोल्ड हर लेकिन उन्होंने उसे बताया टू आज द डिस्ट्रक्टिव काक तो उन्होंने बताया कि एक काक डिस्ट्रकटि मतलब तबाह तबाह तबाहकुन मतलब जो तबाही फैलाने वाला काक जो है मुर्गा उससे पूछो उन्होंने आंट्स ने उसको बूढ़ी औरत को ये बात बताई पे मी टू रीबिल्ड माई हाउस मुझे पे करो अपने घर को दोबारा बनाने के लिए शीशाउटेड वो चीखी एट द काक काक के ऊपर मुर्गे के ऊपर वो बूढ़ी औरत चीखी आस्क दैट ओल्ड ट्री इस पुराने दर से पूछो मैडम ये कौन कहता है इट ड्रॉप्ड अ लार्ज फ्रूट ऑन माई हेड ये कॉक कहता है इट ड्रॉप्ड उसने गिरा दिया था एक बड़ा सा फ्रूट मेरे सर के ऊपर नेक्स्ट पेज हैंग ऑन रुक जाओ सेट द ट्री ट्री ने कहा ब्लेम दैट मैन उस आदमी को इल्जाम दो नॉट मी मुझे नहीं ही स्लैश्ड मी विद अ नाइफ उसने मुझे कट लगाया था नाइफ से द लिटिल ओल्ड लेडी वॉज फ्यूरियस बाई नाउ फ्यूरियस का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई वो अब तक जो लिटिल ओल्ड लेडी थी वो अब तक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी शी रैन अप टू द मैन वो आदमी की तरफ भागी एंड स्टॉप इन हर ट्रैक्स और अपने रास्ते पे रुक गई इट वॉज़ हर ओन डियर सन वो उसका अपना प्यारा बेटा था चैम चोंग साइपा चैंग चोंग साइपा जिसका नाम था यू विल हैव टू रीबिल्ड माई हाउस सन शी सेट क्रॉसली क्रॉसली कहते हैं गुस्से से वो गुस्से से अपने बेटे को कहती है तुम्हें मेरा घर दोबारा से बनाना होगा श्योर मदर यकीन मदर रिप्लाई द मैन मैंने जवाब दिया बट फर्स्ट लेट मी गेट एट प्रॉन हु इज द कॉज ऑफ ऑल द स्ट्रगल लेकिन पहले मुझे उस प्रॉन को पकड़ने दें हु इज द कॉज ऑफ ऑल दिस ट्रबल जो उस पूरे ट्रबल की वजह है चैमचोंग चोंग थ्रू हिमसेल्फ ऑन टू द ग्राउंड चैमचोंग चोंग ज़ायपा ने अपने आप को जमीन के ऊपर गिरा लिया और प्रॉन को पकड़ लिया द ट्री द कॉक द आंट्स द स्नेक द बेयर द प्लान ट्री द बैट द एलिफेंट द मोटर एंड द ओल्ड लेडी लुक एट द प्रॉन वो सब प्रॉन को देख रहे थे डैंगलिंग बिटवीन चैमचोंग आईपास थम एंड फोर फिंगर जो डैंगलिंग मीन्स मीन, लटका लटका हुआ था चेंगचोंग जप की फोर फिंगर कहते हैं जो इंडेक्स फिंगर होती है जो थम के फौरन बाद होती है और थम और उस फोर फिंगर के दरम्यान लटका हुआ था यू डिज़र्व टू डाई डिज़र्व करना होते हैं किसी काबिल होना तो वो कहते हैं देख सैड इन कोर्स वो सब एक साथ कोर्स मीन्स एक साथ एक आवाज़ हो के बोलते हैं कि तुम डिज़र्व करते हो कि तुम मरो डू यू विश टू डाई इन कोल्ड और हॉट वाटर तुम चाहते हो कि तुम ठंडे पानी में मरो या गर्म पानी में इन कोल्ड said द प्रॉन प्रॉन कहता है ठंडे पानी में एज ही रिगल्ड रिगल्ड मूवमेंट पता है ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली मूवमेंट से वो फ्री हो जाता है घूमते घूमते फ्री होता है एंड स्लिप डाउन और स्लिप डाउन स्लिप हो जाता है इन टू द रिवर दरिया में रिवर में स्लिप डाउन हो जाता है अंदर चला जाता है गेट हिम पकड़ो इसे दे ऑल शाउटेड वो सारे चीखते हैं एंड रैन आफ्टर द प्रॉन प्रॉन के पीछे भागते हैं देन द एलिफेंट स्लिप्ड हिस्ट्रंक इन टू द वॉटर एलिफेंट अपनी सूंद पानी के अंदर स्लिप कर देता है एंड स्लर्ब एंड स्लर्ब और स्लर्प स्लर्प करके आवाज के साथ पानी पी जाता है वेरी सून जल्द ही द रिवर वॉज क्वाइट ड्राई जल्द ही दरिया पूरा सूख जाता है दे सीज द प्रॉन सीज मतलब है रोक लेना स्टॉप कर देना तो वो प्रॉन को फौरन पकड़ लेते हैं रोक लेते हैं भागने से एंड गेव इट टू अ फैट टोड वो एक मोटे से टोड को उसे पकड़ा देते हैं दे देते हैं टू मेक इन टू सूप मेक इन टू मीनिंग होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना तो वो इसलिए पकड़ा देते हैं कि वो प्रॉन का सूप बना दे ऑल रिलैक्सड डिसाइड वॉट वॉज द रिवर उन्होंने रिलैक्स किया जहाँ पर पहले रिवर था उसके करीब बिसाइड कहते हैं करीब में जहाँ पहले रिवर था व्हाट वाज़ द रिवर जो कि पहले के रिवर था एंड वेटेड फॉर द टोड और टोड का इंतजार किया टू मेक द सूप बनाने के लिए नेक्स्ट पेज द सूप वाज रेडी जब सूप रेडी हो गया दे ऑल गैदर्ड राउंड टू ईट वो सब जमा हो गए उसके चारों तरफ खाने के लिए सूप को बट मच टू देर टॉनिशमेंट लेकिन उनकी हैरानी की हद हो गई क्योंकि द सूप डिज नॉट टेस्ट ऑफ प्रॉन कि सूप में प्रॉन का टेस्ट नहीं था नेक्स्ट द क्राफ्टी टोड ईटन द प्रॉन क्राफ्टी मीन्स क्लेवर और कनिंग वो क्लेवर टोड प्रॉन को खा चुका था दर्ज वो एंग्री दूसरे सब बहुत एंग्री हो गए दैट दे पेम ऑल ओवर हिस्स बैक के उन्होंने पिंच कर दिया चुटकी चुटकियाँ भरना होता ना तो वो उन्होंने उस टोट की बैग के ऊपर सब ने चुटकियाँ भर दी मतलब गुस्से में उसको हर्ट किया एंड नाउ यू नो वाई अ टोड हैज़ वर्ड्स ऑन हिज बैग और अब आपको मालूम हुआ क्यों टोट के वर्ड्स होते हैं उसकी बैग पर तो ये एक स्टोरी पूरी उन्होंने इससे रिलेटेड बनाई है कि टोट की बैग पर वर्ड्स क्यों होते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ लाइक अ गुड सन एक अच्छे बेटे की तरह चैमचोंग चोंग साइपा रीबिल्ड हिस्स मदरस हाउस उस चेंगच चॉन्ग साइपा ने दोबारा से बना दिया अपनी मदर का हाउस एंड और बिकॉज ही वॉज काइंड क्योंकि वो काइंड था वो एक मेहरबान इंसान था ही रिप्लान्टड द प्लान्टन ट्री उसने replant कर दिया दोबारा से लगा दिया प्लान्टन ट्री को केले के दरख्त को दोबारा से ज़मीन में इम्प्लान कर दिया लगा दिया एवरी वन अग्रीड दैट ऑल दो दूप हेट बी डिसपॉइंटमेंट हर कोई अग्रीड था कि अगरचे सूप एक डिसअपॉइंटमेंट था डिसअपॉइंटमेंट मीन्स मायूसी कि जिसके अंदर कोई प्रॉन का टेस्ट नहीं था इट एट बीन एन इंटरेस्टिंग डे वो एक इंटरेस्टिंग डे था बट नॉट फॉर द प्रॉन लेकिन प्रॉन के लिए नहीं I hope everyone has got a good understanding of this story, and the solution of the exercises are in the description box. And please don't forget to subscribe my channel and like and share. Goodbye, love face.